हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का तुर्की सुपर लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है गोश्टेपे और हटास्पुर के बीच में। ये मैच होने जा रहा है गुरसु अक्सल स्टेडियम पे, जो कि गोश्टेपे का होम ग्राउंड है। करंट पोजिशन की बात करें तो 21 टीमों की टेबल होती है। गोश्टेपे अभी छठे स्थान पर हैं और हटास्पुर है 11th पोजिशन पर। लेकिन जब बात आती है अवे मैचेस की तो हटास्पुर यहाँ पर काफ़ी पीछे हो जाती है, और गोश्टेपे के होम रिकॉर्ड हालांकि काफ़ी बेटर हैं, वो छठे से पाँचवें स्थान पर आ जाते हैं। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आज के मतलब कल के मैच में खेलने वाले नहीं हैं, ये अवेलेबल नहीं होंगे। अगर दोनों टीमों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ, गोश्टेपे पिछले सीज़न से ही काफ़ी अच्छी टीम के तौर पर नज़र आती है। मतलब मिड टेबल फिनिश करने वाली टीमों में से हैं ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी एक कम्पिटिटिव टीम है। ठीक है, पिछले सीज़न में विंग का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस सीज़न में उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स सीज़न के शुरुआत से स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए उनको थोड़ा सा सेंट्रली आप अटैक करते हुए देखेंगे। लेकिन फिर भी इनके टीम में दो तीन ऐसे वर्सेटाइल फुटबॉलर्स हैं जो किसी भी पोजिशन पर खेल सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि चाहे इनका जो विंग प्ले है वो ब्लॉक्ड हो जाए, या फिर अगर ये सेंट्रली अटैक कर रहे हैं वो भी ब्लॉक्ड हो जाए, तो भी वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोल आपको ज़रूर निभाते हुए दिखते हैं। ठीक है, डिफेंसिवली थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का नज़र आया है मुझे गोश्टेपे का परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक रहा है। ठीक है, हटास्पुर की बात करी जाए तो सीज़न के बिल्कुल पहले मैच पर उनको 6 गोल से हारना पड़ा था। अच्छा, पिछले सीज़न में नहीं थे फर्स्ट डिवीज़न पर, इस सीज़न में प्रमोट होकर आए हैं, तो पहले ही मैच पर उनको बहुत बड़ा धक्का सहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से उन्होंने काफ़ी संभाला है खुद को और डिफेंसिवली काफ़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने करा है। ऐसे ऐसे मैचेस में उन्होंने सिर्फ पॉइंट हासिल नहीं किया, जीत भी दर्ज करा है, जहाँ से शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। ठीक है, इनका मेन टारगेट यही होता है किसी तरीके से एक गोल हासिल करा जाए और उसको ही पूरा मैच डिफेंड करा जाए, और डिफेंसिव थर्ड इनका काफ़ी अच्छा है। और इनका भी आप कुछ हद तक सेंट्रली ही मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा देखेंगे। तो कल के मैच में दोनों ऐसी टीमों के बीच में मैच होने जा रहा है जो थोड़ा बहुत सेंट्रली अटैक कर रही है रिसेंटली। ठीक है, तो ये है आपके लिए पहला टिप्स, जो सेंट्रली प्लेयर्स होने वाले हैं उनके ऊपर आपको नज़र रखना है। तो दोनों ही टीमें डिफेंसिवली बेटर टीम है। गोश्टेपे ठीक ठाक टीम है डिफेंसिवली, मैं नहीं कहूँगा कि डिफेंसिव खेलना ही उनकी उनका टारगेट होता है, लेकिन हटास्पुर का टारगेट भी डिफेंसिव होता है, उनकी मजबूरी भी डिफेंसिव होती है। ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि इस सीज़न में प्रोमोटेड होके आए हैं तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ तो ऑफकोर्स नहीं है अटैकिंग थर्ड में, तो हेड टू हेड कुछ हुआ नहीं है क्योंकि इसी सीज़न में प्रोमोटेड होके आए हैं वो। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें और देखते हैं क्या है दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो गोश्टेपे ने रिसेंटली अंकारा गोहू को हराया था। अंकारा गोहू काफ़ी ख़राब शुरुआत उन्होंने करा है, बहुत सारे एरर्स उन्होंने करे थे, एक पेनल्टी और मिस किया था। अगर आप इनके टीम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनके टीम में दो सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉलर्स हैं आयदोक्तु और आगबुनार। ठीक है, आगबुनार विंग पे भी खेल सकते हैं, सेंट्रली भी खेल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं टीम में, लोड काफ़ी लेते हैं, वर्कलोड ये दोनों ही काफ़ी अच्छा लेते हैं। डिफेंसिव क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बेटर है आयदोक्तु का, अकबुनार का अटैकिंग मेंटालिटी भी काफ़ी अच्छा है, कुछ गोल्स इन्होंने इस सीज़न में करे हुए हैं। इनके मेन स्ट्राइकर एनडीआई हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मौका मिल जाए वहाँ पर तो ये भतेरा गोल करते हैं, नहीं तो ठीक ठाक प्लेयर्स हैं। अटैकिंग मिडफील्ड में गुइलन में खेलते हैं, सेट पीस भी लेते हैं, और अगर सेट पीस से गोल नहीं भी करें तब भी ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये तीन फुटबॉलर्स हैं आयदोक्तु, अकबुनार और गुइलन में, इनका हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ रोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाहिए गोल करें या नहीं करें। इसके सिवा यहाँ पर त्रिपिच खेलते हैं, पिछले सीज़न में नापोलियनी नाम के एक फुटबॉलर यहाँ पे खेलते थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। आखिरी जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था गोश्टेपे का, वहाँ पर त्रिपिच ने गोल करके जितवाया हुआ था अगर आपको याद हो। डिफेंसिवली थोड़ा सा इशू है इनके डिफेंस में। ऑस्तुर्क खेलते हैं जो सेट पीस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पिछले सीजन में काफ़ी गोल्स उन्होंने करे हुए हैं सेट पीस से। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं पालोली और एमिर, ये बहुत ही अच्छा ऑपरेट करते हैं, स्पेशली पिछले सीजन में जब टीमें ज़्यादा विंग का इस्तेमाल करती थी तब इनका रोल बहुत ज़्यादा आता था। इस सीज़न भी ये काम करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब नहीं जाते हैं, थोड़ा डिफेंसिव मेंटालिटी ज़्यादा होता है अभी। एमिर जो हैं इनके जो लेफ्ट बैक खेलते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑपरेट करते हैं अटैकिंग थर्ड में, क्रॉसेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। पालोली थोड़ा डिफेंसिव रोल निभाते हैं, तो आप देख सकते हैं सेंट्रली यहाँ पर अच्छे थे और सारे गोल्स और असिस्ट मतलब मूव्स वहीं से बने। होल्डिंग मिडफील्ड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनके मिडफील्ड में आयदोग्दू का बहुत बड़ा रोल होता है, जहाँ जहाँ पर आयदोग्दू अच्छा करते हैं वहाँ वहाँ पर टीम अच्छा करती है, जहाँ पर आयदोग्दू ब्लॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पर टीम का जो इंजन है ना वो ब्लॉक्ड हो जाता है, वो मैं आपको आके दिखाऊंगा। ओपोनेंट भी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी यहाँ पर, इसीलिए इतना मौका यहाँ पर मिला। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो गोश्टेपे ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, वैसे इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो पालोली के टैकल्स आपको दिख जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि पालोली थोड़ा सा डिफेंसिव ज़्यादा रोल निभाते हैं और एमिर जो है ये थोड़ा एग्रेसिव है।
आए दो की सबसे ज़्यादा पासेस, उसके बाद आगबुनार और इंडिया है जिन्होंने यहाँ पर दो गोल करे थे, उनके शॉट्स ऑन टारगेट। एग्री बियात जो इनके गोल कीपर हैं ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में, ज़्यादा तो मौके नहीं मिलते हैं सेव्स वगैरह करने के छोटे मोटे टीम की अगेंस्ट में, लेकिन जितने मौके मिलते हैं उन्होंने स्टैंड आउट करा है खुद को। अभी फानरबाजे से वो रिसेंटली 2-3 गोल से हारे थे। डिफेंसिवली यहाँ पर भी बुरी टीम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ था कुछ सेट पीस वगैरह गिव अवेज करे थे और आखिरी मोमेंट पे कुछ एरर्स की वजह से यहाँ पर गोल कंसीड करना पड़ा। आप देख सकते हैं 3 में से 2 गोल एक पेनल्टी से आया और एक कॉर्नर से आया था और एक गोल ऑन प्ले में बना था। क्या हुआ था, मिडफील्ड यहाँ पर चक्कर लिया था फेनर्बाचा ने, जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई कि आयतोग्लू का चलना ना चलना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी टीम में। तो यहाँ पर इनके जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे फेनर्बाचा के, उन्होंने मिडफील्ड को कंट्रोल कर लिया था और आयतोग्लू का कर दिया था ब्लॉक। ठीक है, आयतोग्लू ब्लॉक होने से क्या हुआ, बॉल का सप्लाई बंद हो गया और बॉल का सप्लाई जैसे ही बंद हो गया इनकी जो सारी हेगड़िया थी वो ख़त्म हो गई। 2 गोल जो आए दोनों ही गोल यहाँ पर भी सेट पीस से ही आए। तो फिर से वही चीज़ है, डिफेंसिवली यहाँ पर बुरी टीम वो नहीं थे, लेकिन मौके बन गए सेट पीस वगैरह से और वहाँ से गोल कंसीड करना पड़ा। आगबुनार फिर भी आपको कुछ ना कुछ रोल ज़रूर निभाते हुए दिखेंगे, ये काफ़ी वर्सटाइल फुटबॉलर हैं आगबुनार, जनरली विंग से शुरुआत करते हैं लेकिन कभी भी सेंट्रली आ सकते हैं और कहीं से कुछ ना कुछ रोल तो ये ज़रूर निभाते हुए दिख जाते हैं आपको। तो मिडफील्ड यहाँ पर कम्प्लीटली हाईजैक, डिफेंसिव मिडफील्ड भी कुछ खास कर नहीं पाया था और विंग प्ले ने यहाँ पर पूरी तरह से झंझोर के रख दिया था सामने वाले टीम को। दोनों ही टीमों ने सेट पीस से काफ़ी गोल करे। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो मिहोयेविच, इनके आपको टैकल्स दिख जाएंगे, उसके बाद नुकान क्लियरेंस होंगे, ये टैकल नहीं। पालोली आप देख सकते हैं हमेशा ही डिफेंसिव रोल पे ज़्यादा रहते हैं और एमिर थोड़ा सा एग्रेसिव, जैसे मैंने बताया क्रॉसेस वगैरह भी इनका नाम है, और शॉट्स ऑन टारगेट के मामले में गुइलर में और इदिये ब्राउन। तो ये है थोड़ा बहुत आइडिया गोस्टपे के बारे में। 3 फुटबॉलर जो इनकी टीम में है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली छोटी लीग में तो आपको रखना ही पड़ेगा, आयतोग्लू, आगबुनार और गुइलर में। ठीक है, डिफेंसिवली थोड़ी सी मुझे लगा है कि इशू है इनके डिफेंस में, लेकिन एज ए ओवरऑल यूनिट ये काफ़ी बैलेंस टीम है। इनके जितने फुल बैक्स हैं काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं, लेकिन वही बात कि अगर इनके मिडफील्ड में जो इंजन है आयतोग्लू वो अगर ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, स्मॉल लीग के टीम में आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बड़ी लीग में तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हाथरसफोर्ड के बारे में। हाथरसफोर्ड डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं, डिफेंसिवली काफ़ी एक्टिव टीम है इतना आप कह सकते हैं, और डिफेंसिव खेलना इनका मजबूरी होता है। जैसे मैंने बताया पहले ही सीज़न के शुरुआत में वो हारे थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है और जीते हैं कुछ मैच, एक आध मैच हारे भी हैं लेकिन इंप्रूवमेंट काफ़ी करा है। तो यहाँ पर कासिम पासा को उन्होंने हरा था 1-0 गोल से, एक गोल करा था मामे दियूफ ने जो इनके मेन स्ट्राइकर के तौर पर सीजन में दिख रहे हैं। देखिए गोल किसने किया वो ज़्यादा इशू नहीं है, अब ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इनका डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और ये भी गोस्टपे की तरह ही सेंट्रली अटैक करते हैं। ठीक है, इनके भी मिडफील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलते हैं जिनका नाम है आबिद। डिफेंसिव रोल इनका बहुत ही अच्छा होता है और कुछ हद तक गोल स्कोरिंग पोटेंशियल भी रखते हैं। इसके सिवा इलगाज दिख जाएंगे, जब ये सेकंड डिवीजन पे थे पिछले सीजन में इन्होंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, गोल करना गोल कराना दोनों तरफ से ही इनका रोल आपको दिखता रहेगा। और इनके सेंट्रल डिफेंस में सेंटोस भी काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं, ये सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके जितने फुल बैक्स हैं पोपोव और शटमिल, जो मैंने आपको ऊपर बताया गोस्टेले के बारे में पालोली और एमिर का, वैसा ही होता है इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं पोपोव और शटे में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस यही है कि इनके दोनों ही फुल बैक्स काफ़ी एग्रेसिव हैं। सेटेमेल ने तो काफ़ी गोल्स भी करे हुए हैं पिछले सीज़न में जब वो सेकंड डिवीजन पे थे, सेट पीस भी लेते हैं और पोपोव भी काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं अटैकिंग थर्ड में। डिफेंसिव मिडफील्ड का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ही थोड़ा सा बॉक्स टू बॉक्स टाइप हैं और त्रायोरे एकदम हार्ड हिटिंग डिफेंसिव टीम है, बहुत ही अच्छा फिजिक है इनका और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ हद तक अपने डिफेंसिव कामों को निभाने के लिए। तो एक्सीलेंट डिफेंसिव थर्ड जो मैं बार बार कहना ही कोशिश कर रहा हूँ, और स्पेशली सेंट्रल एरिया जहाँ से उन्होंने ओपोनेंट को रोक दिया, मिडफील्ड पूरी तरह से कंट्रोल किया, पोजीशन नहीं रखा तो काउंटर अटैक से ही हिट किया था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो पाप्लो ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियरेंस किया था, तो आबिदियोग्लू दोनों जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, आबिद के क्रॉसेस, ये सेट पीस भी लेते हैं आबिद सेंट्रल डिफेंस मिडफील्ड में जो खेलते हैं। उसके बाद सेम चीज़ कायसेरिस्पोर को इन्होंने हराया था 1-0 गोल से। इनके भी जो गोलकीपर है मोहामेदी, दोनों ही टीमों के गोलकीपर ना बहुत ही सही है। ठीक है, ऑफकोर्स छोटी टीम है हाथरसफोर्ड तो इनके डिफेंस के ऊपर प्रेशर तो बनता ही है और इनके गोलकीपर के ऊपर भी प्रेशर बनता है, लेकिन जब जब मौका मिला है मोहामेदी ने काफ़ी अच्छा गोलकीपिंग करा हुआ है, इसकी स्टैटिस्टिक्स काफ़ी सही चल रहे हैं अभी तक। सेंट्रल डिफेंस में सेंटोस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रहे हैं और सेटेमिल और पोपोव
इनका भी डिफेंसिव रोल और एग्रेसिव रोल मतलब दोनों ही तरफ से काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। पोपोव का डिफेंसिव क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बेटर है, सेटमिल अटैकिंग थर्ड में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इसके सिवाय भी आकिनटोला का रोल आपको देखने को मिल जाएगा। ये ज़्यादा मैचेस तो खेले नहीं हैं, लेकिन जब जब खेले हैं एक काफ़ी अच्छा मतलब डिफेंसिव क्वालिटी वाले अटैकर मुझे नज़र आए हैं। जनरली लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और गोल काफ़ी अच्छा पहचानते हैं, कुछ मैचों में गोल इन्होंने करे हुए हैं। सेंट्रल मिडफील्ड में बात करें जाए तो आबिद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप इस प्लेयर को गलती से मिस नहीं कर सकते। तीन प्लेयर्स के नाम मैंने आपको गोस्टेबा की तरफ से बताया मिडफील्ड में, और यहाँ से आबिद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मामे दियूफ ने इस सीज़न में कुछ गोल करे हुए हैं, और क्योंकि ये पूरी टीम ही थोड़ा सा डिफेंसिव मेंटालिटी मेंटेन करती है, तो मामे दियूफ चाहे गोल करे या नहीं करे, इनको डिफेंसिवली आप काफ़ी एक्टिव देखेंगे, ठीक है। इंटरसेप्शन वगैरह, टैकलिंग वगैरह, या हो सकता है क्लियरेंस वगैरह का भी पॉइंट ही आपको देखे जाए। तो अगेन ब्रिलियंट डिफेंडिंग और मिडफील्ड कंट्रोल, और इस बार सामने वाली टीम थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब खेली थी, एक प्लेयर उनके रेड कार्ड भी हो चुके थे, उसका फ़ायदा मिला। फुल बैक्स ने भी यहाँ पर अच्छा ओवर करा। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों की बात करें तो हाथा इस पर की आपको पोजीशन दिख जाएंगे। आकिनटोला जब मैंने बताया था कि ये अटैकिंगली भी काफ़ी ऑपरेट करते रहते हैं, थोड़ा सा विंग पे खेलते हैं, सेंट्रली कम आते हैं, तो अगर किसी टीम के हो सकता है कल के मैच में आपको ये चीज़ काम पे ना आए, लेकिन जहाँ जहाँ पे विंग पे इशू दिख जाएगा ना, वहाँ पे आकिनटोला काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। उसके बाद आबिद और त्रायडो के पासेस, शॉर्ट सन टारगेट के बारे में आकिनटोला और दियूफ यहाँ पर काम कर रहे थे, हालांकि गोल नहीं कर पाए, लेकिन रोल काफ़ी अच्छा था उनका, और पोप ऑफ के क्रॉसेस। तो ये है थोड़ा बहुत आइडिया हटास्पोर के बारे में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव टीम है, डिफेंसिव खेलना इनकी मजबूरी भी है, इनकी स्ट्रेंथ भी है। सेंट्रली अटैक करते हैं, सेंट्रल मिडफील्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं। अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस कम हैं, लेकिन चलिए किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो, जैसे हो तैसे हो, ये एक गोल ज़रूर कर लेते हैं, और उसको पूरा मैच डिफेंड करने की एबिलिटी इनके पास है, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद अनडाउटेडली आप ये कह सकते हैं कि इस मैच में ज़्यादा गोल्स की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि हटास्पोर्ट थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव टीम है और डिफेंसिवली खेलना ही इनकी मजबूरी है, तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम दो या हो सके तो तीन डिफेंडर्स इनके तरफ से ज़रूर लेकर चलिए। मिडफील्ड में मतलब जनरल प्लेयर्स की मैंने बात बताई, उनको मस्तली रखो। अटैकिंग थर्ड में प्लेयर्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गोल नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको कलेक्ट करके ना देखे जाए, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि मिडफील्ड और डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स रखने की, उसके बाद अटैकिंग थर्ड के तो एक प्लेयर आपको रखने ही पड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आप दो प्लेयर्स को भी रख सकते हो। तो वो कौन कौन से होंगे, किस तरह से आप क्या क्या करोगे, आगे मैं समझाता हूँ, सुनते जाना बस। ये दोनों टीमों के सेट पीस टेकर्स हैं। ऑस्टुर्क इनके सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं, गोस्टेपे ये पिछले सीज़न में काफ़ी पेनल्टी वगैरह ले चुके हैं, और अगर अगली बार पेनल्टी आए तो शायद यही लेंगे। गुइलेंड में भी लेते हैं इस सीज़न में, और ऑस्टुर्क की एब्सेंस पर ये ले रहे थे फ्री किक में आए दो गुइलेंड में, और एमिर आप देख सकते हैं सेट पीस में हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हताशा क्या होगा, सेटेमेल इनके पेनल्टी टेकर हैं, और फ्री किक में बुपेंसा, रिबेरो और मेसुट सेटेमेल यहाँ पर भी हैं। स्टैटिस्टिकली बात करा जाए तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, आगपुनाड और इंडियाए इनके स्टार्टिंग गोल हैं गोस्टेबे की तरफ से, और यहाँ पर बुपेंसा और दियोव जिन्होंने तीन तीन गोल करे हुए हैं। असिस्ट के मामले में भी दियोव का नाम है, साथ में आयदकदू, तो दियोव काफ़ी अच्छा रोल निभा रहे हैं, और डिफेंसिव पॉइंट भी आपके पास ऑलरेडी वो दे ही जाते हैं, तो ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दियोव। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह का हो सकता है। इनमें से जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको नज़र रखना है, मस्टली रखना है, वो है आयदकदू, ग्विलर में, अगबुनार, आबिद और दियूफ, ये पांच आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए। डिफेंसिव थर्ड में एक ऑस्तुर्क और सैंटोस दोनों और हो गए साथ। यहाँ पर हो सकता है सेटमिल कल के मैच में नहीं खेले, तो सेटमिल का ना खेलने का मतलब ये है कि आगबुनार को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, ये एक पॉइंट है, और आकिनटोला को डिफेंसिवली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आकिनटोला का स्पेस आप बना पाते हैं तो इनको ले सकते हैं, क्योंकि ये कल के मैच में बोनस के तौर पे आपको डिफेंसिव पॉइंट्स भी दे सकते हैं। और कुछ ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से एनडीआई का ऑप्शन है, इलगास का ऑप्शन है, अगर आप अटैकिंग थर्ड में देख रहे हैं तो, ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच का फाइनल स्मॉल लीग का फुल टीम जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवाय भी अगर आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम पर टीम्स फॉर विन लिख के, TEAMS फॉर मतलब फोर जो है, और विन लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल दिख जाएगा।
आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ना सिर्फ इस मैच का बल्कि ना सिर्फ फुटबॉल का, क्रिकेट बास्केटबॉल जैसी गेम्स की भी स्मॉल लीग की फुल टीम आपको वहाँ पर मिल जाती है डेडलाइन से पहले, लाइन अप अनाउंस होने के बाद, और सब कुछ फ्री में है। तो आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इतनी सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं इनका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है। ऑस्तुर्क और यहाँ से सैंटोस जो हैं ये सेट पीस में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैच ले स्कोरिंग होता है तो क्या पता है एक आध गोल अगर कॉर्नर वगैरह से आ जाए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमिर और शेटमेल ये सेट पीस लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी डिफेंसिव क्वालिटी भी बुरी नहीं है। आब्दियोग्लू एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसीलिए मैं ड्रॉप नहीं कर रहा। आयदोग्दू, अकबुनार और क्विलेड में, जैसे मैंने बताया, और यहाँ से आबिद और मामेदियोफ। आयदोग्लू के जगह पर आपके पास एक ऑप्शन बनता है, एक दो ऑप्शन हैं अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। इलगाज हैं हतास्पुर की तरफ से, थोड़ा सा अटैकिंग प्लेयर हैं, अगर गोल असिस्ट नहीं करेंगे तो शायद खाली हाथ ही वापस जाना पड़े। और यहाँ पर अकिनटोला का ऑप्शन है और बुपेंद्रा, ये सेट पीस भी लेते हैं और ऑफलेट कुछ कुछ मैचों में उन्होंने गोल करे हुए हैं, और एनडीआई जो गोस्टेबे के मेन स्ट्राइकर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो तीन ऑप्शन हैं अटैकिंग थर्ड में, और यहाँ पर आयदोग्लू ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं। गोल कीपर आप किसी को भी ले सकते हैं, मुझे कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। अगर आप मेरा चॉइस मानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि अटैकिंगली एक्टिव टीम ज़्यादा है गोस्टेबे, तो हतास्पुर के जो गोलकीपर होंगे इब्राहिम या मोहम्मद जो भी नाम है उनका, मोहम्मदी, ये जो होंगे इनको रोल ज़्यादा लेना पड़ेगा। आखिरी जो मैच ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब फुटबॉल खेला था मोहम्मदी ने, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द जनता इनको अवॉइड करने वाली है, लेकिन अच्छे गोलकीपर हैं। वो मैच खराब खेला था जो ड्रीम इलेवन ने लिस्ट किया था, इसका मतलब बुरे नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि क्योंकि लेस स्कोरिंग मैच होना चाहिए तो थोड़ा सा बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के ऊपर जाना ही बेटर हो सकता है अगर आपको सेफ स्कोरर चाहिए। स्ट्राइकर्स में से जाना है तो ऑफकोर्स मामेदियोफ और अकबुनाड डिसेंट ऑप्शंस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गोल करते हैं तो आराम से 60 से 65 70 पॉइंट्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर गोल नहीं करते हैं तो हो सकता है 20 25 30 के भीतर रुक जाएँ। तो उस हिसाब से यहाँ पर आयदोग्दू, आबिद और गुइलन में जो हैं ये विदाउट गोल भी आपको 40 के आसपास पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। डिफेंस में यहाँ पर ऑस्टुक और यहाँ से सैंटोस। जो गोल कीपर आप ले रहे हो बड़ी लीग में, जिस भी गोल कीपर को ले रहे हो उनको भी कैप्टेंसी के तौर पे ज़रूर ट्राई करना। तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में लेस स्कोर का है, अभी लेस मतलब कितना लेस, 0-0 या 1-0 या 1-1 ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आप मिडफील्डर या अटैकर में से इसको बना सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।